नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए हर तरह से मदद कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इंतजाम करने तक, अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की व्यवस्था करने से लेकर लोगों तक दवाइयां पहुंचाने तक सोनू सूद हर तरह की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके लोगों को रोजगार भी दिलवा रहे हैं। वहीं आम लोगों से लेकर जानी मानी हस्तियों तक की भी सोनू सूद मदद कर रहे हैं। अब लीजिए, आर्मी के एक कमांडिंग अफसर ने भी सोनू सूद को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। दरअसल जैसलमेर में तैनात इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग अफसर ने सोनू सूद को 13 मई को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कोविड-19 सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मदद की मांग की गई थी। सीओ ने अपनी चिट्ठी में सोनू सूद से मांग की थी कि वो मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद में मदद करें, लेकिन कमांडिंग अफसर का सोनू से मदद मांगना अफसरों को रास नहीं आया। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो अपनी चिट्ठी में बटालियन के सीओ ने लिखा है, जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन में सेना एक 200 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर रही। ऐसे में अस्पताल के लिए आईसीयू बेड्स, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एक्सरे मशीन और 2 15 KVA के जनरेटर सेट की जरूरत है। अब आर्मी अधिकारी की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही। बता दें कि रिपोर्ट में सेना मुख्यालय नई दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लेटर सोनू सूद को लिखा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये ओवर एंथुजियाज्म में लिखा गया। सेना ने नागरिक राज्य प्रशासन की मदद के लिए अपने संसाधनों से देश भर में कई कोविड अस्पताल बनाए। राजस्थान के ही श्रीगंगानगर में 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनवाया गया। वैसे सोनू सूद इन दिनों दिल खोलकर हर किसी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ट्विटर पर तो उनसे मदद मांगने का सिलसिला जारी था ही, अब तो लोग मदद मांगने के लिए एक्टर के घर तक पहुंच रहे हैं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो। अनिकेत रिपोर्ट लिखना, मैं कि अपने मतलब कि मेरे पहचान मेरे हॉस्पिटल में वहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसके एक रिपोर्ट से करेंगे उसको देखते हैं। किसके रिपोर्ट भेजा तो उनको भेजा नंबर नाम लिख के भेजना अभी तक इसलिए मैं बताऊँगा कि कैसे होता है। जगह कोविड वाले जा रहे हैं ना, लोग अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया होता है खत्म कर नंबर लिख दिया और अपना ड्यूटी भेज दिया गोविंद सर को भेज दिया है। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आप लोगों को हो गया था क्या? वो नहीं अभी तक किया, नहीं भेजा वाला था, मैं करना है। आपने भेजा था ना मेरे को, वो दे रहा हूँ। लिस्ट नहीं दिया अभी तक? नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ, लिस्ट दे देना, मैं करवा दूँगा सबका। और कुछ आपका क्या है? वो तो सामने सामने कर दिया ये लोगों। आपका इनका कुछ बताते नहीं क्या? थोड़ा क्या है इनका प्रॉब्लम, कुछ बताते नहीं। प्रॉब्लम क्या है आप बताओ खुल के, थोड़ा बात ही है। हाँ आप बताओ क्या प्रॉब्लम, किधर से है, क्या करते काम आप?
तो दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में काम करेगा? कहाँ काम करेगा? यहाँ पे भी काम करेगा? पहले कहाँ काम करता था? क्या काम करता था? ड्राइवर। हाँ, गाड़ी चलानी आती है? तो पिछला देता। घर पे कौन कौन है तेरे? घर पे कौन कौन है तेरे? क्या नाम तेरा? निहाल। दिल्ली में कितने टाइम से गए? 2004 से। अभी इधर कैसे आया? नमस्कार विकास, क्या हाल है? चल बढ़िया बढ़िया। तेरा तेरा नाम क्या है? निहाल। पूरा नाम क्या है? निहाल चंद्र। विकास, एक बंदा है दिल्ली से आया, तेरे निहाल चंद्र नाम है उसका। अच्छा निहाल जी। हाँ जी। तो अच्छा बेचारा सिंपल सीधा सा बंदा है, इसकी फैमिली फूमली है, जॉब भी नहीं है, ऐसे ड्राइविंग करता था पहले। उसको उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कहीं लगाना, उसको अंदर उसको सेट कर देना प्लीज अपने। ठीक है, तेरा नंबर भी लिख के दे रहा हूँ, सीधा पहुंच जाना बेटा। ठीक है, खुश है अभी? ठीक है बेटा, रोते का आएगा तू? अबे रो क्यों रहा है पगले, रो क्यों रहा है? अरे नहीं ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? परेशानी की जल्दी नहीं होगी? नहीं नौकरी करवाने माजी 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 थोड़ा पीछे हाँ देख कैसे है तेरे पास आने जाने के? इधर कैसे है? रो क्यों रहा है तू? तेरा करवा दिया ना जॉब का, भी हो गया ना तेरा? फिर क्यों रो रहा है? फिर खड़ा हो जा, नंबर नंबर इसके लिए लिख के देखा जॉब के। ठीक है, इधर चल जाना, उसके बाद लगेगी जॉब तेरी। आपका लड़ा क्या है? आइए ऑफिस में हम काम करो तो शूटिंग बंद ही मारो। अरे माना जो चार महीने है आने आइए, फिर आता हम तो डिपोजिटो करे का ही नहीं आता, ये हस्बैंड ना हमारा मुझे आता घर हस्बैंड, तो चार महीने का आ जाए बात की चला दूँ अगर नंबर लिखा